अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ नौजवान खूबसूरत आसिया मौजूद है। आसिया ने अपनी ज़िंदगी नशे पर लगकर तबाह कर ली है और इस टाइम दादा दरबार पर मौजूद है। बात करके जानते हैं कि क्या कहानी है, नशे पर कैसे लगी, खूबसूरत जवानी कैसे बर्बाद की और ज़िंदगी को इस मोड़ पर कैसे लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिया कैसी हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। खूबसूरत हो, जवान हो, कितनी उम्र है? मेरी 30 और 35 के करीब। 30 साल 35 साल। शादी शुदी हुई थी? शादी हुई है, बच्चे हैं, सब कुछ है। या कितने बच्चे हैं? 6 7 बच्चे हैं। ओ अल्लाह खैर करे, 7 बच्चे हैं। शोहर क्या करता है? दे दिया 5 मेरे पास। शोहर क्या करता है? शोहर डेंटल है। छोड़ दिया बच्चों के पास है। अच्छा, करता क्या था? मेरे बच्चे पे डेंटल है। क्या है? डेंटल डॉक्टर है। यस, दांतों का। तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? बस वैसे ही। क्या हुआ था? कोई उसके अंदर खामी थी आप में? वजह थी? क्या वजह थी? वजह थी ना शोहर को छोड़ने? कोई घरेलू मसले होते हैं, नहीं बताने वाले होते? क्या मसला? चले बता दे। कोई होता है मसला? पांच बच्चों को आप छोड़ के, आप 5 बच्चों को छोड़ के अपनी जिंदगी तबाह भी घराद नहीं पूछते? अच्छा, आप नहीं बताती राज? 5 बच्चों को छोड़ आई है आसिया? छोड़ के कब आई? और यहाँ पर क्या कर रही है? छोड़ के बैठी है? बड़ नहीं, घर दिल लगा यहाँ पे आ गई। नशा किस चीज़ का करती है? पहले करती थी, अब छोड़ दी है। क्या करती थी? पाउडर वगैरह पीती है, आइस जो है बस शौक रखे। पाउडर पीती थी? डेली कितने का पी लेती? 20 ग्राम 15 ग्राम। पाउडर पीती थी या बेचती थी? 12 13 पाउडर की एक मकदार होती है ना, पाउडर इतना तो बेचा जाता है। आप पीती थी 12 13 ग्राम 20 ग्राम? थैली होती है 25 ग्राम की, थैली होती है तो आप वो पीती थी डेली की? बेचती भी थी साथ में। साथ बेचती भी थी? शोहर के घर रह गए या अलग रह गए? अलग, अपने बच्चों को मैंने खुद पाला। अपने बच्चों को? 3 बेटियां उसने पाली हैं। अच्छा, 2 बेटे मैंने खुद पाले हैं। सिलाई कपड़े बच्चों को तुमने पाला है, उन बच्चों को क्या नशा बेच बेच के पालती रही हूँ? यानी कि वो पाउडर वगैरह सेल कर? गंदे काम तो नहीं ना करती थी, यानी कि जिस्म फरोशी नहीं करती? हाँ जी, बच्चे पाल लिए बस, बाद में सिलाई करती रही हूँ। जिस्म के धंधे से बेहतर है कि नशा बेच कर अपने बच्चों को बेहतर है? अच्छा, खुद नशे पे कैसे लगी है? बस वैसे ही दिल करता है जब टेंशन होती है। अब जिस बंदे को टेंशन हो वो नशे पे लग जाए? जरूरी नहीं हर बंदा लगता। हाँ। कोई इंसान समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ़ होते हैं मेरी तरह। आप बेवकूफ़ हैं? 5 बच्चों की माँ कैसे बेवकूफ़ हो सकती? हो भी सकती है, बड़ा लगी हो या लगाया? निकल जाती है, अकल निकल जाए ना पता नहीं चलता। मेरी निकल गई है अकल। निकल वापस कब आएगी? वापस तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कब आएगी, कब कितनी देर होगी। बाइक पे बैठे अभी तक ठीक नहीं हो रही। कितनी देर होगी वैसे नशे पे लगे? कितनी देर होगी? मैंने 17 साल 18 साल पिया पाउडर। 18 साल पाउडर भी है? बच्चे कब पैदा कर लिए जब 18 साल पाउडर भी है? 5 7 बच्चे हैं आपके? 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई है। अच्छा, जिस लड़की से भी बात करते हैं जिसके बच्चे? मेरा बेटा बड़ा है। यानी कि शादी के दूसरे दिन बाद बेटा हो गया था? 14 साल 14 और 15 साल बाद होता है। देखो एक माह एक दिन होता है वो। अच्छा, कितने दिन हुए? यानी कि शादी कितनी देर बाद बच्चा पैदा हुआ? शादी की कितनी देर बाद बच्चा? 8 माह के बाद। 9 माह होते हैं तो फिर होता है। हाँ जी। अच्छा, आसिया नशे पर लग गई हो, टांग पर कैसे चोट लगी? वैसे इधर पुलिस वालों की बाइक खड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठी हूँ, खड़ी हुई है, रुकी हुई। बाइक गिर गई? गिर गई ऊपर। तो क्या हुआ? चोट लग गई, जख्म हुआ इतना। मुझे कोई लड़का बता रहा था आपने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्ट कर? नहीं, वैसे लग वो ही रहा मुझे भी। इंजेक्शन लगाती रही हो? नहीं, मैं तो नहीं लगाती। मैं कैसे लग तक जाती हूँ, बाहर भी हो तो मैंने कभी नहीं लगाया। अच्छा, यानी कि आप आइस वगैरह पाउडर वगैरह पी के गुजारा कर लेती हैं? आसिया ज़िंदगी से क्या सीखा? यहाँ पर तो लड़के जो हैं वो गर्दनों पर ब्लेड रख के ज्यादती कर लेते हैं, जिस्म नोच लेते हैं, लड़कियों की इज्जत जो है वो नोच लेते हैं। मैं उसके साथ खुद करूँ, मैं कपड़े उसके तो आगे थाड़े जो है ब्लेड श्लेड लगा दूँ, ऐसी इतनी बात। इसके जाए इसके कोई तुम्हारी इज्जत लूटे तुम उसकी लूट लोगी? लूटूंगी नहीं, उसका सबक सिखाऊंगी। क्या करोगे उसके साथ? जिसकी वो आग उसको लगी हुई है उसको उतार के फेंक देंगे। ब्लेड जो नहीं, हाँ, किसको लगी हुई है? किस चीज़ को उतार के फेंकेगी? जब शादी हो अपनी बीवी के पास जाए। नहीं नहीं, दूसरी लड़कियों को? यहाँ पर जो नशेई होते हैं वो ब्लेड लाते हैं, लड़कियों के गर्दन पर ब्लेड रखते हैं, उसके बाद उनका जिस्म नोच लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता तो आप क्या करते? वो नोचने वाले खोते होते हैं, जानवर होते हैं। अच्छा,
ऐसे इंसानों के साथ। कभी तुम्हें नहीं किसी ने छेड़ा? बहुत छेड़ते हैं। क्या कहते हैं? गालियां आगे से खाते हैं। फिर नहीं कहते क्या? बस ऐसे ही रेट रूट पूछते हैं ना, जैसे सब्जी का पूछते हैं कितने पैसे ही, कितना रेट है, की रेट है। और क्या कहती हैं? आगे से गालियां खाते हैं बस। लड़कियां चली भी जाती हैं जो नशा कहते हैं, जो नशा करती हैं वो एक आधा टोकन लेके चली भी जाती हैं। मुझे तो तरले करते हैं, आ जाओ पी लो इधर, पी लो इधर। मैंने कहा पीनी है तो यहाँ पे बैठ के पीनी, किसी के घर पे नहीं जाना। लात पे लात में आओ डेरे में, ना हवेली में जाना ना डेरे में जाना, यहाँ सारे आम बैठ के पीनी है। अच्छा, यानी कि लड़के तुम्हें ऑफर करते हैं कि आ जाओ हवेली में, आ जाओ कमरे में, आ जाओ रूम में, आ जाओ, तुम्हें पाउडर पिलाते हैं? नहीं जाते। पाउडर के साथ वो कुछ और पिलाना चाह रहे होते हैं? ऐसा ही है। क्या करना? अगर कोई गए ना अंजाम पीनी है तो पिला दे, टचिंग फैचिंग नहीं करनी है, पहले बता देते। अगर वो ऐसा होता है उसके माइंड में कुछ, वो चला जाता है। जिसके बाल खुले छोड़े हुए हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई है, बड़ा अपने आप को आपने मॉडर्न बनाया हुआ है, कभी बच्चों का ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे भी हैं? ख्याल है, ठीक है, तंदुरुस्त है। आप खुद तंदुरुस्त हो? अपने बारे का शुक्र है। क्या करने जा रही है? मौत का इंतजार कर रही हो या सुधरने की कोशिश कर रही हो? मौत का इंतजार तो मेरे फरिश्ते भी ना करें। अच्छा। मैं तो मरना मरना कोई नहीं है। वो तो बरहक है ना, वो तो आनी है। है भी आनी है। हर जानदार को, हर दुनिया में जितनी कायनात में जितनी जानदार चीजें सबने मरने वाली। आपने नहीं मरना? मैंने मरना ही नहीं। ऐसी क्या बात है? जिन्नो भूत नहीं हो, क्या चीज हो? इंसान ही है। फिर तुमने क्यों नहीं मरना? अच्छा, आसिया क्या मैसेज होगी उन लड़कियों को जो कि महफिल में, पार्टियों में अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशे पर लग जाती हैं और बाद में जिस तरह आज आसिया बैठी है, इस तरह बैठी होती हैं, क्या मैसेज होगी उन पार्टियों में, उन महफिलों में नशे पर लगना चाहिए? जो लड़कियां कमज़ोर होती हैं, आगे से कुछ कहती नहीं है, उनकी इज्जत जो ख़राब हो जाती है नशे पर लगने की, वो ज़रा सख्त होती हैं, वो अपनी इज्जत बचा लेती हैं। अच्छा, नशे पर बैठ कर। और जो घरेलू होती हैं घर में बैठ कर नहीं बचा सकती। आसिया बहन भाई किधर हैं तुम्हारे? भाई भी नहीं है? सब कुछ है। तो क्यों भाई बहने, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी बहन हमारे घर आ जाए? जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी ऐसा ही कोई इंटरव्यू चल रहा है उनका। अच्छा, क्या इंटरव्यू चल रहा है? कि हमारी बहन घर आ जाए, खुद आ जाए वो कहते। मैं कहती हूँ वो खुद आके लेके जाए। अच्छा, आपकी अकड़ है कि वो लेके जाए। खैर नाज़रीन, ये दास्तान है एक नौजवान लड़की की। इस कहानी से सिर्फ एक ही आपको कहूँगा, इस कहानी का मकसद, इस वीडियो का मकसद ये है कि लड़कियाँ गुस्से में आकर महफलों में बैठकर, लड़कियां जब टेंशन में होती हैं, बकौल आसिया के जब लड़कियां डिप्रेशन में होती हैं, नशे पर लग जाती हैं, लड़कों का साथ भागती हैं, जो घर वाले माँ बाप तंग करें, गालियां वगैरह दें, भाई बहन तंग करें, तब भी वो निकल आती हैं। ये नहीं किसी के साथ वो भाग गई हैं। आपको किसी ने तंग किया है, किसी ने गालियाँ दी हैं? पूरी कहानी खुल के बताएं, पता लगे। यही मुझे गाली किसी की पसंद ही नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल इंसान खुद बनाता है, माहौल नहीं बनाता। खैर नाज़रीन, ये दास्तान है आसिया की। आसिया अपने शौहर के साथ घर में लड़ाई करती है, सात बच्चों की ये माँ है, और घर से निकलती है, सड़क पर आ जाती है, नशे पर लग जाती है, और आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठी है। एक टांग को अपनी को मुसलसल दबाई जा रही है, दबाई जा रही है। मुझे किसी ने यह भी बताया, किसी ने अपनी टांग में इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन जो है वो इन्फेक्शन कर गया, उसके बाद अब हो सकता है कि इसकी टांग में ज़्यादा मसला बन जाए। ये कह रही है जी मुझे पुलिस की बाइक से मैं गिरी हूँ। अब अगली कहानी का नहीं पता कि कहानी क्या है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आसिया को बदनाम करना, वायरल करना, इसका नेगेटिव फेस आपके सामने रखना। मकसद ये है कि आपको दिखाएं, आपको बताएं कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है, लड़कियां किस तरह एक स्टेप, एक कदम की गलती से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। आसिया ने अपने सात बच्चे छोड़े, अपना शौहर छोड़ा, रोड पर आ गई और आज नशाई बन गई, जिसको जहाज़ कहते हैं। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।